तो आज तीसरा दिन, आइए चेक करते हैं आपको थर्ड डे में बच्चे में क्या चेक करना है। कि सबसे पहले आपको उनके टेल उठा के यहाँ चेक करना है, क्योंकि अगर वो पोटी कर रहे हैं तो ये एरिया साफ है या नहीं है। ये इस प्रकार से आपको दिख गया कि क्लीन है, ये क्लीन है, ये क्लीन है। बच्चे पूरी तरीके से ड्राई होने चाहिए, ये हल्का गीला है, आप देख सकते हैं इसे मदर ने, ठीक है। दूसरी चीज़ जो आपको चेक करनी है वो ये है कि बच्चे का वज़न पहले फर्स्ट डे से आज कुछ वेट गेन हुआ है या नहीं हुआ है। और आप एक चीज़ देख रहे हैं, अगर बच्चे सो रहे हैं तो बच्चे शांत हैं। अगर किसी भी बप्पी से ये आवाज़ आती है, कोई भी आवाज़ जो कॉन्टिन्यूसली आ रही है, तो आप तुरंत अपने वेटनेरियन को कंसल्ट करें। और अगर ये बच्चे आराम से सो रहे हैं तो आप देख सकते हैं कोई कोई चिंता वाली विषय नहीं है। बहुत ज़्यादा छेड़े ना मदर पे छोड़ दें, अब मदर भी अलग बैठने लगी है, ऐसा होता है। पर आपको ये लगाना पड़ेगा, हर 3 घंटे में पपीज़ को उठा के मदर मिल के पास लगाना पड़ेगा। तो आज पपीज़ हो गए हैं 3 दिन के। और आपको जैसा मैंने बताया कि इनके जो भी पार्ट्स हैं उनको आपको चेक करने हैं, हर एक पार्ट्स को इवन चेक करने हैं। बच्चों को टच भी करना है कि बच्चे कहीं गीले तो नहीं हैं, बच्चे डिहाइड्रेटेड तो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि थर्ड डे से जनरली बच्चे दुबले होने लगते हैं, वेट लूज़ होने लगता है। बच्चों का वेट गेन हो रहा है या लूज़ हो रहा है आपको ये भी पता करना है। तो अभी तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ, अगर ऐसी समस्या आती है कि आपको यहाँ गंदगी दिखती है, जनरली ये मदर चाट करके साफ़ कर देती है, पर ऐसा दिखता है तो आपको बॉयल्ड वाटर में बिल्कुल नॉर्मल गुनगुना पानी में कॉटन डाल के उस कॉटन से साफ़ करना है। ओके दोस्तों, थैंक यू।